है गाइस दिस इज़ आशीष एंड वेलकम टू एडवेंचर्स आप लोगों ने शायद आजकल एक ट्रेंड नोटिस किया होगा एक बहुत ट्रेंडिंग से वीडियोस आ रहे हैं यूट्यूब पे और बाकी सोशल मीडिया पे अबाउट रूफ टॉप टेंट्स गाड़ियों की छत के ऊपर जो है टेंट्स माउंटेड होते हैं उन्हीं टेंट्स में लोग सोते हैं रात में वो सब चीज़ें आपको दिखाई जाती हैं ऑफ और कैंपिंग फेटर्निटी में ये चीज़ें बहुत चल रही हैं आजकल रूफ टॉप टेंट्स इस तरह के बहुत सारे वीडियोज़ ऑनलाइन आ रहे हैं विच इज़ गुड क्योंकि कैंपिंग जितनी ज़्यादा प्रमोट होगी जितना ज़्यादा कैंपिंग का कल्चर बढ़ेगा उतना ज़्यादा हम जैसे लोगों को आराम रहेगा क्योंकि हमें जगह वगैरह आसानी से मिल जाएगी और कहीं हम रुकेंगे तो लोग हमें एलियंस की तरह नहीं देखेंगे लेट मी बी वेरी क्लियर ओवर हेयर मैं यहाँ पर रूफ टॉप टेंट्स या फिर कैंपिंग के अगेंस्ट नहीं हूँ आई जस्ट वॉन्ट कि आप लोग कोई ऐसा डिसीजन किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुन्सर या किसी बातों में आगे मत ले लो जो आपके लिए या आपकी गाड़ी के लिए या आपकी फ़ैमिली के लिए कोई बड़े नुकसान की बात बन जाए ट्रस्ट मी यूट्यूब पे जो आपको वीडियोस दिखते हैं दस पंद्रह मिनट के जो भी वीडियोस दिखते हैं उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाती है उसको मसालेदार बनाने के लिए उसको चटपटा बनाने के चक्कर में कंटेंट उस हिसाब से बनाया जाता है बट रियलिटी में चीज़ें जो हैं वो अलग होती हैं बाकी पूरे दिन क्या क्या घटनाएं और हादसे होते हैं वो सब शायद नहीं शेयर किया जाता है क्या क्या मुसीबतें उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए होती है वो सब आपसे नहीं शेयर किया जाता है कहीं आप उस इन्फ्लुएंस में आके एक्चुअली किसी यूट्यूबर को फॉलो करने लग जाओ या किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को फॉलो करने लग जाओ और अपने आप को और अपनी फैमिली को रिस्क में डाल दो अगर आप बिना सोचे समझे अपनी कार में कोई भी मॉडिफिकेशन करते हो तो दैट कैन बी अ डिज़ास्टर इवन फिटल अगर आप वो रूफ टॉप टेंट अपनी कार पे इंस्टॉल करना चाहते हो तो इट्स बेटर कि एक बार ये चीज़ें सोच लो क्योंकि रूफ टॉप टेंट सबके लिए नहीं है और ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ क्योंकि मेरी कार के अंदर जो है एक बेड है एक फोल्डिंग बेड प्लेटफॉर्म है पीछे जहाँ पे लगेज कंपार्टमेंट होता है वहाँ पे बेसिकली एक ड्रॉर सिस्टम है जिसके अंदर हमारा सारा सामान आता है खाने पीने का हमारे टूल्स कैंपिंग इक्विपमेंट सारा कुछ उस ड्रॉर्स में आता है और उन ड्रॉर्स के ऊपर एक बेड प्लेटफॉर्म है जो अगर कभी ज़रूरत पड़े तो हम खोल के गाड़ी के अंदर सो सकते हैं तो उस बेड के चक्कर में मेरे पास कई कमेंट्स आए हैं कि एक रूफ़ टॉप टेंट आप क्यों नहीं लगाते तो आज मैं बताने जा रहा हूँ कि वाई आई डोंट हैव अ रूफ टॉप टेंट या फिर वाई आई डोंट यूज़ अ लगेज कैरियर रूफ रैक मेरी गाड़ी पर ना कोई रूफ रैक है ना कैरियर है ऐसा क्यों है एंड वाई आई डोंट लाइक रूफ़ टॉप टेंट्स उसके मैं आपको पाँच रीज़न्स देने वाला हूँ मुझे बेसिकली क्यों नहीं पसंद और अगर वो पाँच रीज़न् में से दो या तीन भी आप पे अप्लाई होते हैं तो आई सजेस्ट अवॉइड रूफ़ टॉप टेंट्स जितना सबसे बड़ी चीज़ प्राइस कॉस्ट एक सस्ते से सस्ता अगर आप रूफटॉप टेंट लेने जाते हो तो आपको कम से कम चालीस पचास साठ हजार रुपये का पड़ेगा उससे नीचे रूफ़ टॉप टेंट्स नहीं आते हैं ना no, यही अगर आप थोड़ा हाई एंड ब्रांड्स पे जाते हो ए आर बी या समथिंग तो वो आपको कॉस्ट करेगा एन अदर नाइन्टी थाउजेंड या एक लाख रुपए या मे बी इवन मोर रूफ टॉप टेंट्स आर कॉस्टली तो अगर आप उस पर पैसा खर्च करने जा रहे हो तो इट शुड हैव वर्थ आपके पास उससे ज़्यादा सस्ती ऑप्शन हैं कैंपिंग के लिए वैसे भी इंडिया में जगहें कम हैं और रूफ़ टॉप टेंट को आपको ऐसी किसी जगह के पे लेके जाना पड़ेगा जहाँ पर आपकी गाड़ी जा सके अगर आप कैंपिंग के लिए जा रहे हो तो आप एक नॉर्मल टेंट अगर किसी वेबसाइट से या कहीं से खरीदते हो बहुत मारा मारी करके अच्छी से अच्छी क्वालिटी का भी खरीदते हो तो आपको छः सात हज़ार में मिल जाएगा सिक्स थाउजेंड सेवन थाउजेंड कम्पेयर टू सिक्सटी सेवेंटी थाउजेंड आपके पास वो फ्लेक्सिबिलिटी एक नॉर्मल टेंट में रहेगी जो रूफ टॉप टेंट में नहीं है येस रूफ टॉप टेंट की अपनी एडवांटेजेज हैं कि आप छत के ऊपर सो रहे हो बट डिसएडवांटेज भी है कि अगर आपके साथ कोई छोटा बच्चा है तो इट इज़ रिस्की और दूसरा ये कि अगर आप एक रूफ टॉप टेंट लेते हो तो आप उसको डायरेक्टली गाड़ी की छत पर नहीं लगा सकते हो आपको नीचे एक कैरियर uh, एक रूफ uh, रैक लगाना पड़ेगा ना कमिंग टू दैट रूफ रैक पार्ट आप कोई नॉर्मल लोकल जो गैरेजेज में या मकैनिक्स के पास मिलेंगे वो आप नहीं लगा सकते हो यू हैव टू गो विद अ गुड रूफ रैक क्योंकि रूफ़ टॉप टेंट को लगाने के लिए आपको एक हैवी ड्यूटी रूफ रैक की जरूरत पड़ेगी और हैवी ड्यूटी रूफ रैक्स पंद्रह से बीस हज़ार से नीचे नहीं आते हैं एक और खर्चा मतलब कि ओवरऑल अगर आप एक रूफ़ टॉप टेंट इंस्टॉल करते हो तो जो आपकी जो कॉस्ट है दैट विल बी समवेयर अराउंड सेवेंटी टू वन लैख रुपीज़ तो कॉस्ट इज़ अ बिग इशू रूफटॉप टेंट देखने में बहुत अच्छे लगते हैं आप कहीं फोटोग्राफ्स देखोगे लगी हुई हैं मस्त एकदम आप वैली व्यू ले रहे हो ये ले रहे हो लेकिन उस वैली व्यू तक आपको जाना है अपनी कार को लेके कर वहाँ तक चला के लेके जाना है दैट मीन्स बी ड्राइविंग ऑन हाईवेज हाईवे स्पीड्स एट्टी हंड्रेड और उस स्पीड के ऊपर आपकी जो एक अच्छी सी स्लीक सी एरोडानेमिक सी कार है उसके ऊपर छत के ऊपर आपने एक डब्बा लगा के रखा हुआ है यू आर ड्राइविंग एट एट्टी एंड देर इज अ बॉक्स ऑन योर कार जो कि उस हवा को काटता हुआ जा रहा है ना जस्ट इमेजिन कितना ज़्यादा ड्रैग क्रिएट हो रहा होगा कितना ज़्यादा रेजिस्टेंस मिल रहा होगा विंड रेजिस्टेंस आपकी कार को हो सकता है कि आपकी कार की जो स्टेबिलिटी है वो भी ख़राब हो जाए कोई भी बंदा जिसने आज तक गाड़ी की छत के ऊपर सामान रख के गाड़ी चलाई है कैरियर के ऊपर लगेज रख के सूट केसेज के या सबको पता है कि गाड़ी की जो स्टेबिलिटी है उस पर फ़र्क आता है गाड़ी जो है वो हैंडल करने में थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है तो जस्ट इमेजिन कि वो चीज़ जो है आपने अपनी कार के साथ करके रखी हुई है परमानेंटली यू आर ड्राइविंग फॉर 300, 400, 500 हंड्रेड किलोमीटर्स तो वो चीज़ आपकी छत के ऊपर लगी हुई है इट इज़ गोइंग टू क्रिएट अ ड्रैग इट इज़ गोइंग टू क्रिएट इंस्टेबिलिटी दूसरी चीज़ जो इसके साथ आएगी इंस्टेबिलिटी और ड्रैग के साथ फ्यूल कंजम्पशन अगर आपका गाड़ी जो है उसकी जो विंड रेजिस्टेंस है वो बढ़ रही है अगर आपकी गाड़ी जो है ज़्यादा ताकत लगा के चल रही है दैट मीन्स कि वो ज़्यादा फ्यूल खाएगी तो आपकी जो माइलेज है दैट इज़ गोइंग टू ड्रॉप थर्ड थिंग जो इसी से रिलेटेड है दैट इज़ योर सेंटर ऑफ ग्रेविटी स्पेशली जिनके पास महिंद्रा स्कॉर्पियो है उनको पता है कि इस गाड़ी का जो सी है दैट इज़ वेरी हाई अगर आप टर्नस वगैरह लेते हो बॉडी रोल आपको फील होता है इस गाड़ी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑलरेडी ऊंचा है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑलरेडी हाई होता है उसके ऊपर आप जो है एक्स्ट्रा वेट डाल देते हो दैट इज गोइंग टू मेक द कार अनस्टेबल रूफ़टॉप टेंट्स का जो वेट है दैट कैन वेरी फ्रॉम 50 के जी टू हंड्रेड के जी डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी डिपेंडिंग ऑन द ब्रांड 50 किलो का वेट आप अपनी गाड़ी की छत के ऊपर डाल रहे हो तो माइंडेड रूफ कैरियर्स या वो सब जो जो होते हैं उनका वेट एक्स्ट्रा है और रूफ रैक्स जो होते हैं उस पर अगर हम लोग लगेज वगैरह भी रखते हैं से सूट केसेज वगैरह तो उनका वेट हार्डली जो है ऐसे ही तीस चालीस किलो तक जाता है और वो ओकेजनल होता है कभी कभार आपने रखा होता है बट आप जस्ट इमेजिन करो कि आपने जो है एक पचास किलो का लोड परमानेंटली अपनी कार के ऊपर डाला हुआ है ना दिस लोड इज़ नॉट गोइंग डायरेक्टली ऑन योर शेसिस गाड़ी की शेसिस ये लोड नहीं उठा रही है आप लोगों को ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये सीरिस, ये पिलर्स हर गाड़ी में पिलर्स होते हैं दिस इज ए बी पीछे सी और लास्ट में डी हर गाड़ी में पिलर्स होते हैं जिनके ऊपर ये रूफ लगी होती है अब ये पिलर्स कितने स्ट्रॉग हैं नो no आइडिया गाड़ी की एक रूफ uh, कैरिंग एक लिमिट होती है ऊपर से जो रूफ़ टॉप टेंट जिस कैरियर पे आप लगाते हो उसकी भी एक लिमिट होती है इन सब चीज़ों की एक लिमिट होती है जहाँ तक आप उनको स्ट्रेस कर सकते हो ये चीज़ें अगर आपको नहीं पता हैं और उसके बाद आप किसी को कॉपी करके अगर अपनी छत के ऊपर एक रूफ टॉप टेंट लगा लेते हो दैट कैन बी अ डिज़ास्टर छत डैमेज हो सकती है पिलर्स डैमेज हो सकते हैं आपकी स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी जो है उसको नुकसान पहुँच सकता है तो दिस लोड हैज़ टू बी केप्ट इन माइंड अगर आप रूफ टॉप टेंट लगाने जा रहे हो तो ये चीज़ें कैलकुलेट किए बिना कभी मत लगाना ये तो था डायनमिक लोड जब आपकी गाड़ी चल रही है जब आप रुके हो कहीं पे, आप सोने जा रहे हो टेंट में से अगर दो लोग भी सो रहे हो उसके अंदर मिनिमम से मिनिमम आपका डेढ़ सौ के का वेट एक्स्ट्रा ऐड होगा मतलब यू आर पुटिंग टू हंड्रेड के जीज ऑन दिस रूफ विच इज़ नॉट डिज़ाइंड फॉर टू हंड्रेड के जीज ऑफ वेट तो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपने रूफ टॉप टेंट अगर प्रॉपरली इंस्टॉल रखे होंगे तो वो होंगे पिकअप ट्रक्स के ऊपर जो ट्रक बेड होता है पीछे शेसिस उसके ऊपर जो है फ्रेम बना के उसके ऊपर इंस्टॉल किया जाता है लोड जो है वो सीधा उस फ्रेम से नीचे शेसिस पे चला जाता है जब आप गाड़ी की एक नॉर्मल गाड़ी की छत पर लगाते हो देर इज नो फ्रेम देर इज़ नो रोल केज सारा का सारा लोड आपके इन पिलर्ट्स के ऊपर आ रहा होता है यू हैव टू कैलकुलेट इट पॉइंट नंबर फोर जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है आई मीन जो स्कॉर्पियो ओनर्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है दैट इज़ क्लियरेंस ये गाड़ी की हाइट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है बहुत सारे जो अंडर पासेज हैं या फिर आपका जो अंडरग्राउंड पार्क पार्किंग गैरजेज़ हैं जहाँ पे आप पार्क करते हो बेसमेंट्स वगैरह में क्लियरेंसेज वहाँ पे ऑलरेडी बहुत कम होती है हाइट जो है गैप जो है बहुत कम होता है ये गाड़ी कई बार ऊपर छत से टकराई है छत से नहीं स्पॉयलर इसका टकराया एंटीना टकराया है इसका क्योंकि हाइट इसकी ऑलरेडी ज़्यादा है ये छत से टकरा जाती है मैं उसके ऊपर छः इंच या एक फुट और ऐड कर दूँ हो सकता है कि मैं अपना टेंट डैमेज कर दूं, मैं गाड़ी की ब्रैकेट्स डैमेज कर दूं, रूफ रैक की या फिर वो स्ट्रक्चर ही डैमेज कर दूं। पॉइंट नंबर फाइव जो कि शायद कुछ लोगों को इतना रेलेवेंट ना लगे बट द थिंग इज़ रूफ टॉप टेंट्स आर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन अगर आपकी छत के ऊपर कॉन्टीन्यूसली सामान लगा हुआ है तो इट्स अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन चोरी होने का डर है रूफ़ टॉप टेंट्स के ऊपर जो है कोई लॉक या ब्रा नहीं होते बेसिकली नट बोल्ट होते हैं जो कोई भी खोल के चुरा सकता है छत के ऊपर अगर सामान लगा हो या कुछ लगा हो तो इट कैन क्रिएट ए प्रॉब्लम हो सकता है कि आपको बार बार बैरिकेड्स पर रोका जाए और हर जगह ये चीज़ एक्सप्लेन करनी पड़ेगी आपको कि ये क्या है या क्यों है हो सकता है ना रोका जाए दैट इज़ योर लक लेकिन अगर छत के ऊपर कैरियर के ऊपर सामान होता है तो यस दूर से दिखता है और लोग रोकते हैं तो दिस इज़ इट गाइज ये कुछ मेजर पॉइंट्स थे जो कि मुझे रोक रहे हैं एक रूफ टॉप टेंट लगाने से मे बी मैं कभी ना लगाऊँ अपनी गाड़ी पे मुझे ऐसा ज़रूरत भी नहीं है मेरी गाड़ी के अंदर ही बेड है अगर आपकी गाड़ी के अंदर बेड नहीं है और आप लगाना चाहते हो तो कुछ चीज़ें हैं जो मैंने अभी बताई हैं कंसिडर करके ही लगाना प्लीज़ किसी को ब्लाइंडली फॉलो करके अपनी गाड़ी में रूफ़ टॉप टेंट मत लगाना अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगर आपको बहुत ज़्यादा उसका यूज़ है तभी लगाओ डिपेंडिंग ऑन योर कार डिपेंडिंग ऑन योर स्ट्रक्चर बजट एवरी तब डिसीजन लो तो दिस इज़ इट गाइज़ जो पॉइंट्स मुझे सही लगे मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए अगर आपका कुछ इस पर व्यू हो या कुछ फीडबैक हो तो यू आर ऑलवेज़ वेलकम टू गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन और ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताना एंड आई एल सी यू गाइज विद अनदर वीडियो बहुत जल्दी तब तक के लिए कीप ट्रैवलिंग कीप लिंग सी या